हाय एवरीवन, वेलकम टू वेस्टर्न ओवरसीज। आज हमारे साथ हैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट, जो कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों परमानेंट रेजिडेंसी प्रोसेस की डीप नॉलेज रखते हैं। हेलो आलोक सर, वेलकम टू वेस्टर्न ओवरसीज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। व्यूअर्स का सबसे पहले आपके लिए सवाल है कि परमानेंट रेजिडेंसी पर सेटल होना चाहते हैं तो किस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, देन आई विल सजेस्ट फॉर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, आप इन दो कंट्रीज में से किसी भी कंट्री में आप पीआर वीज़ा की एप्लीकेशन डाल सकते हो एज पर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इट्स अ फैमिली वीज़ा विच दे आर ऑफरिंग एंड अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट बेनिफिट्स। तो ये दो कंट्री में से जहाँ भी आपकी प्रायोरिटी बनती है, यू कैन। ओके, आपने अभी एक नाम लिया कनाडा, लेकिन कनाडा के लिए तो सुनने में आ रहा है इतनी सारी YouTube वीडियोस हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर हम देखते हैं लोग कनाडा छोड़ रहे हैं, वो लोगों को सजेस्ट करते हैं ना आने के लिए, या फिर कुछ अलग टाइप के कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर, कनाडा क्यों? देखिए, अगर आप न्यूज़ की बात करते हो तो इट्स नॉट अबाउट कनाडा ओनली। आप अगर लाइक यू नो यूट्यूब वीडियोस देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, या आप लाइक सोशल मीडियाज के आप थोड़ा सा फॉलो करोगे, सो देयर आर सो मेनी कंट्रीज अ पार्ट ऑफ कनाडा। आप अगर देखो तो ऑस्ट्रेलिया से लोग वापस आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, ईयू कंट्रीज से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं। सो इट्स जस्ट यू कैन से इट्स नॉट अबाउट कनाडा ओनली, इट्स जस्ट दैट कि कनाडा इट्स अ हॉट प्लेस फॉर द माइग्रेशन पीपल। तो लोग आजकल इसको नेगेटिव के से व्यूज़ के वगैरह, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में ये लोग आपको नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं। अगर मैं लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो कनाडा ऑब्टेन अ फोर्थ रैंक एज पर द US रिपोर्ट। आप अगर देखते हो या आप वर्ल्ड रैंकिंग की बात करते हो, सो इट्स अ फोर्थ हैप्पीएस्ट कंट्री। आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, दैट फॉल अंडर फिफ्थ। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब इवन से कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, लेबर मार्केट शॉर्टेज वहाँ पे नहीं है, अब तो वहाँ पे दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सोशल मीडियाज के को देख करके आप अगर अपना लाइफ अगर डिसाइड करते हो, फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, देन इट्स वेरी अनसिक्योर। ओके, थैंक यू फॉर द अपडेट सर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती है कि अगर हम कनाडा पीआर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है कि एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करना है, लेकिन उसमें तो सीआरएस स्कोर ही बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, 500 प्लस का सीआरएस स्कोर है, तो कोई कैसे उसको अचीव करेगा या कैसे अप्लाई कर सकता पीआर के लिए? ओके, द वर्ड विच यू हैव यूज्ड एक्सप्रेस एंट्री, ये मतलब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चलता है एंड सिर्फ यही एक वर्ड चलता है, आई डोंट नो व्हाई। जबकि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की बात करते हो, यस यू आर राइट इन सम पॉइंट। आप अगर करंट स्कोर की बात करते हो, इसको कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर कहते हैं, कट ऑफ की बात करते हो, तो यस 500 से ऊपर के स्कोर चल रहे हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस की बात कर रहे हो, कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हो। आप अगर जनरल कैटेगरीज की बात करते हो तो यस, बट इसके अलावा भी बहुत सारे पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं, लोगों को इसके बारे में अपडेट नहीं होता है। जब से बिल C-19 इंट्रोड्यूस किया है कनाडा ने, दे आर डूइंग कैटेगरी वाइज इनविटेशन प्रोसेस। आप हेल्थ केयर के ड्रॉज को देखो, उसमें कट ऑफ 422 आता है। अगर आपको फ्रेंच आता है, आप उसके सेपरेट ड्रॉज होते हैं, आपको आपके पास अगर स्टेम का ऑक्यूपेशन है उसके सेपरेट ड्रॉज होते हैं, बीच में ट्रांसपोर्टेशन का ड्रॉज हुआ था, अपार्ट ऑफ लाइक दे आर दी ओनली एक्सप्रेस एंट्री। अपार्ट ऑफ दिस अगर आप बात करते हो तो दे हैव अ सेपरेट प्रोग्राम फॉर द PNP ऑल्सो, विच इज कॉल्ड प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। हर प्रोविंस के अलग अलग वहाँ पे दे आर प्रोमोटिंग themselves कि आप हमारे प्रोविंस में आओ। आप एल्बर्टा को देख लो, आप अगर आपके कुछ अगर फैमिली पर्सन हैं जो वहाँ पे PR होल्डर हैं, इन केस ऑफ मैनिटोबा दे कैन गिव यू द स्पॉन्सरशिप। यू कैन अप्लाई फॉर द ब्रिटिश कोलंबिया ऑल्सो, दे डोंट नीड अ जॉब, यू कैन से LMIA ऑन द बेसिस ऑफ जॉब ऑफर लेटर, यू कैन लुक फॉर देयर पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सप्रेस मतलब कि इनविटेशन प्रोसेस हाई चल रहा है और आप इनवाइट का वेट कर रहे हो, जस्ट कि लोगों का नॉलेज नहीं है। ओके, सो इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं जिसमें लोग पीआर के लिए अलग अलग वे से अप्लाई कर सकते हैं। दे आर मोर देन 17-18 वेज थ्रू विच यू कैन गेट दी कैनेडियन पीआर राइट नाउ। ओके, बट सो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, ओके, बहुत लोग खुद से अप्लाई करते हैं या जैसे भी वो अप्लाई कर रहे हैं, पूल में उनकी प्रोफाइल है, तो क्या कॉमन मिस्टेक होती हैं जो वो यूजुअली करते हैं? यूजुअली जो मिस्टेक जो मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस करते हुए देखा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक तो मैंने ये देखा था कि लोग पासपोर्ट की डिटेल्स गलत डाल रहे हैं, आपकी एक्सपायरी डेट कब की है वो आपको वो पता नहीं है, आपका आईएस का स्कोर आपका इनवैलिड हो रहा है, आपके ECA की रिपोर्ट इनवैलिड हो रही है, जो आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, जो आप EOI आप डाल रहे हो, उसके जो फॉर्म फिलअप करते हो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं,
बिकॉज ऑफ दैट वी हैव सीन एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से लोगों को 5-5, 6-6 महीने वेट करना पड़ रहा है बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो आपसे रिकन्फर्म करती है एंड उसके लिए वो फिर वो एप्लीकेशन होल्ड पे चला जाता है. सो जो काम आपका 6 मंथ्स में हो रहा है वो आज के डेट में जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सिली मिस्टेक्स इज टेकिंग 1 ईयर टाइम. ओके, थैंक यू सो मच आलोक सर फॉर दीज इनवैल्यूएबल इनसाइट्स. ओके, बट लास्टली मैं आपको चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे अगर वो PR का ऑप्शन देखना चाह रहे हैं तो. फर्स्टली अगर आप PR एप्लीकेंट के रूप में खुद को देखते हो हाँ, तो द फर्स्ट थिंग विच आई विल सजेस्ट, डोंट डिसाइड योर फ्यूचर जस्ट बिकॉज ऑफ द गूगल रिव्यूज और यू कैन से यूट्यूब वीडियोज और यू कैन से द इंस्टाग्राम. Just do your own homework. आप रिसर्च करो whatever information which you know any consultant is giving you या कोई immigration agent आपको देता है आप उस पर यकीन मत करो. Everything is online nowadays. आप जाके रिसर्च करो, देखो कि वो कितना सही बोल रहा है कितना गलत बोल रहा है एंड अपने रिसर्च के बेसिस पे डिसाइड करो कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. किसी की बातों में मत आओ. Canada is like very much open for the immigration because they need people for their economy. Hmm. That's the reason they are doing multiple draws. अभी एक नया प्रोग्राम भी you know they are introducing which is a Francophone जो पहले hold हुआ था बीच में उसको थोड़ा सा slow हुआ था उसको फिर से वो लोग promote कर रहे हैं. They don't need a LMIA in that case. Only on the basis of job offer letter you can get the work permit. Great. So there are so many things nowadays. It's not about express entry only. Yeah. Thank you so much, Alok sir, once again. And that's a wrap up today. Guys, thank you for tuning us. For such more updates, stay tuned with us. Thank you. Thank you.